गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनय सिंह तोमर और हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा है जो हैवी एलिमेंट होते हैं यानी कि जो भारी तत्व होते हैं उन तत्वों के परमाणु क्रमांक को आसानी से कैसे लिखा जाता है। तो आपको वो वीडियो पसंद आई होगी भाई, और इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं जो जनरली यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया जाता, दो या तीन लाइन करके लिखा दिया जाता है, हम पूरा उसे समझेंगे। अगर आप धैर्य रखकर पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कितनी चीजों को छोड़ते हुए आप वन लाइन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई, सही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और लास्ट में अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर जरूर करें भाई ज्यादा से ज्यादा। देखते हैं हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तत्वों में जो तत्व हैं, तत्वों में आवर्तिता, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, तत्वों में आवर्तिता पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, सही है, पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट। तो होता क्या है वास्तव में, और आज मैं जो एक एक शब्द बोलूं आपको वो हर एक शब्द लिखना है, क्योंकि हर एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने में सहायता करेगा। तो देखो सबसे पहले कुछ बात आप समझने की कोशिश करें, जब तत्वों को हम आवर्त सारणी में उसके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, जब तत्वों को हम आवर्त सारणी में उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कौन से, वो भी बाह्यतम कोष के, कौन से भाई, बाह्यतम कोष के, जो समान होते हैं, सही है? आप समझें, जब हम तत्वों को आवर्त सारणी में उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोष के समान होते हैं एक निश्चित या नियमित अंतर पर, एक नियमित अंतर पर, एक नियमित अंतर पर उनके उनका रिपीटेशन होता है या फिर पुनरावृत्ति लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति होती है यानी कि रिपीटेशन, उनका क्या होता है, रिपीटेशन। तो ये जो गुण है यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तिता, क्या कहलाती है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तिता कहलाती है। फिर देखो मैं एक बार आपको समझाता हूं, जब हम आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोष के समान होते हैं उन तत्वों में एक नियमित अंतर के पश्चात, उन तत्वों में एक नियमित अंतर के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, और इसी गुण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तिता कहते हैं। जैसे देखो सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। इसके बाद आप हीलियम लिखते हैं, हीलियम के बाद फिर हम लिथियम लिखते हैं भाई, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, और 1s2 2s1। तो दूसरे कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s1 है, इसमें पहले कोष का s1 है, तो दोनों के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है या नहीं, और कौन से, बाह्यतम कोष के। इसके बाद जब हम लिथियम बेरिलियम बोरोन आगे के तत्व रख देते हैं, उसके बाद हम जब सोडियम को देखते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो तीसरे कोष में भी, तीसरा कोष इसका बाह्यतम कोष है, s ऑर्बिटल में कितने, 1, इसके बाह्यतम कोष के s ऑर्बिटल में 1, इसके बाह्यतम कोष के s ऑर्बिटल में 1, क्या इनके बाह्यतम परमाणु, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं है, आप देखें। और एक नियमित अंतर के पश्चात, देखो इसमें दो अंकों का अंतर है, इसमें दो अंकों का अंतर है और इसमें 8 अंकों का अंतर है। अगर इसके बाद हम किसे देखें, 19 पोटेशियम को, किसे देखें, 19 पोटेशियम को, तो हम पाएंगे 1s1 4s1 आएगा, उसके अंत में क्या आएगा आप लिखकर देख लेना, 4s1 आएगा। तो आप देख सकते हैं भाई एक नियमित अंतर के पश्चात इनके बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है। फिर इसमें कितने अंकों का, तो 2, 8, 8, फिर 18 आएंगे, फिर उसके बाद 18 आएंगे, फिर 32, लेकिन बाह्यतम कोष के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। अब आप
इस पूरी लाइन को समझ जाएंगे। सही है, फिर रिपीट करता हूं मैं, जब तत्वों को आवर्त सारणी में उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं एक नियमित अंतर के पश्चात उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पुनरावृत्ति होती है। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पुनरावृत्ति, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पुनरावृत्ति का क्या मतलब है? एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही है, यानी कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दो तत्वों के बाद पुनरावृत्ति हुई और लिथियम के बाद सोडियम के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आठ के बाद पुनरावृत्ति हुई, इसके बाद इसमें आठ के बाद पुनरावृत्ति हुई। तो ये सारा जो हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तिता हो रही है, इसी गुण के कारण तत्वों के गुणों में आवर्तिता होती है। क्या होती है भाई? आवर्तिता। ये लाइन बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आप लिखना, ये जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तिता है यानी कि रिपीटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इसी गुण के कारण जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के गुणों में क्या होती है? आवर्तिता यानी कि रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति। जैसे जो गुण हाइड्रोजन के होंगे या लिथियम के, वही सोडियम के, जो सोडियम के होंगे वही पोटेशियम के, क्या रिपीटेशन नहीं हो रहा गुणों का? हो रहा है भाई। तो इसी प्रकार के बहुत सारे हम इसके लक्षण देखने वाले हैं जिनमें रिपीटेशन होता है, तो एक एक करके पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से लिखना भाई, हर एक बात को जो भी मैं समझाने वाला हूं, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि किसमें रिपीटेशन देखने वाले हैं हम? ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें क्या रिपीटेशन होता है। तो आप ध्यान रखें, हम तीन प्रकार के तत्वों को पढ़ेंगे भाई, एक एस ब्लॉक के, एक पी ब्लॉक के, एक डी ब्लॉक के, और एफ ब्लॉक के तत्वों की हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें आवर्त सारणी में नहीं रखा गया है, आवर्त सारणी से बाहर रखा गया। तो आप समझे, ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हैं भाई क्या होती है? परमाणु के ऊपर उपस्थित जो आवेश होता है उसी को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम क्या बनाता है? Na+, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। सोडियम के ऊपर जितना आवेश है, मैग्नीशियम पर कितना आवेश होता है? दो होता है प्लस के, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? दो। क्लियर है? अब आप समझने की कोशिश करें, एस ब्लॉक के जितने तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या धनावेशित होती है। एस ब्लॉक के जितने तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है? धनावेशित प्लस। क्लियर है? और डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी कैसी होती है? धनावेशित। उनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है? धनावेशित। इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर तो आप लिख सकते हैं एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनमें हाइड्रोजन को छोड़कर सभी की ऑक्सीकरण संख्या सदैव कैसी होगी? प्लस की। और इसी प्रकार से डी ब्लॉक के तत्वों की भी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होगी? प्लस की। जबकि पी ब्लॉक के तत्वों की प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी। क्लियर है भाई? जैसे एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं आपको पता है? क्षार धातु। अरे कौन से तत्व आते हैं भाई? क्षार धातु। तो क्षार धातु की अगर हम ऑक्सीकरण संख्या देखें तो प्लस वन होती है। सभी क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? प्लस वन। जबकि क्षारीय मृदा धातुओं की, क्षारीय मृदा धातुओं की, मृदा धातुओं की प्लस के टू होती है। यह सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं। जो वर्ग एक है, वर्ग एक या फिर फर्स्ट एक कहते हो इसे, उसे क्षार धातु कहते हैं। और जो दूसरा वर्ग है, वर्ग दो, जिसे आप सेकंड एक कहते हैं, उन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इन तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्षार धातु, इस लाइन को लिखें आप, यानी कि एस ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। कैसे? जैसे लिथियम आप देखें, क्षार धातु है भाई, कितना परमाणु क्रमांक है? तीन। 2-1 होता है इसका,
तो इसके बाह्यतम कोष में कितना है, एक, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। जैसे आप मैग्नीशियम की बात करोगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, तो 282। इसके बाह्यतम कोष में कितने हैं, 2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया धनावेशिती होनी है। अब तो क्लियर है भाई, जितने भी क्षार धातु हैं उनकी +1 होगी, जितने भी क्षारीय मृदा धातु हैं उनकी +2 होगी, और डी ब्लॉक के तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो परावर्तित होती है। कैसी होती है भाई, परावर्तित होती है। परावर्तित का मतलब है फिक्स नहीं होती कि एक होगी, दो होगी, तीन होगी या चार, बदलती रहती है। वो अलग से चैप्टर पढ़ेंगे हम। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, जैसे लोहा देखें आप, तो लोहे पर प्लस का 2 चार्ज भी होता है और लोहे पर प्लस का 3, यानी कि लोहा 2 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाता है और 3 भी। जैसे कॉपर आपने देखा है भाई, कॉपर के ऊपर +1 भी होता है और +2, तो कॉपर भी +2 और 1 दर्शाता है। जैसे टिन, टिन के ऊपर +2 भी होता है और +4, तो ये भी 2 तरह की ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होगी, लेकिन कैसी होगी, परावर्ती। अब पी ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं, तो आप देखेंगे, देखो पी ब्लॉक में जो तीसरा वर्ग है, यानी कि थर्ड ए, सही है, जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम इनको रखा गया है, इन सबकी +3 होती है। क्या होती है, इन सब की +3 होती है, और बाकी के जितने भी वर्ग हैं, यानी कि ये 13वां वर्ग है भाई, 14वें, 15वें, 16वें, उन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, प्लस में भी होती है और माइनस में भी, केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़कर। फ्लोरीन की -1 और ऑक्सीजन की -2 होती है। फ्लोरीन की केवल -1 होती है और ऑक्सीजन की भी माइनस में होती है, बाकी के जितने भी तत्व हैं उन सब की प्लस में भी होती है और माइनस। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, अगर आप कार्बन को ही देखें तो कार्बन की +4 से लेकर -4 तक होती है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 से लेकर -4 तक होती है। तो इतनी प्रॉपर्टी है इनकी, आप थोड़ा सा याद रख लेना कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है, डी ब्लॉक के तत्वों की भी धनात्मक होती है, लेकिन ये परिवर्ती होते हैं। इनमें क्षार धातुओं की +1 और क्षारीय मृदा धातुओं की +2 होती है। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा भाई, क्लियर है। तो अगला देखते हैं, देखो हम जैसे अगला गुण हम पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना भाई, समझने वाली चीजें हैं, अगर आप रटेंगे तो एकदम भूल जाएंगे, अगर चीजें समझ गए तो फिर कभी नहीं भूलेंगे भी। सही है, अगला हम पढ़ रहे हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या या फिर इसी को सहसंयोजक त्रिज्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या के नाम से भी जानते हैं। तो एक बात और आप ध्यान रखें कि हमने आवर्त सारणी में तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया है। सही है, एक तो आवर्त के रूप में, आवर्त कैसे चलते हैं भाई, इस प्रकार से क्षैतिज, आवर्त कैसे होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, वर्ग। क्लियर है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्ग हमने देखे आवर्त सारणी में, और क्षैतिज दिशा में आवर्त हमने देखे। ये 2 बातें क्लियर हैं। तो देखेंगे एक ही वर्ग में समान गुण के तत्व हैं, एक ही वर्ग में तत्वों के गुण कैसे हैं, समान, लेकिन आवर्त में बाएं से, देखो बायां ये होगा भाई, सही है, आप अपना भी देख सकते हैं, बाएं से दाएं जाने पर गुणों में परिवर्तन होता है। क्या होता है भाई, गुणों में परिवर्तन। आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि एक ही वर्ग में तत्वों के गुण समान हैं, लेकिन अगर आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, जैसे हम बेरिलियम से लेकर, बेरिलियम इसके बाद बोरोन होता है, इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जैसे ये है बाएं से दाएं की ओर क्रम। तो बाएं से जब दाएं की ओर हम जाते हैं तो गुणों में परिवर्तन होता है, सही है। अब आप ध्यान रखें, जो गुण बाएं से दाएं जाने पर घटता है, किसी भी परमाणु का जो गुण बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटता है, वो सदैव वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल अपोजिट है। अगर कोई प्रॉपर्टी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर घट रही है तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ेगी, और यदि ऊपर बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ती है तो बाएं से सॉरी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वो प्रॉपर्टी क्या होगी, घटती है। एक को आपको ध्यान रखना है, दूसरे में उल्टा होगा। मान लो परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ रही है, सही है, तो बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या होगी, घटेगी। अरे बिल्कुल सीधी बात है भाई। तो आप देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि परमाणु त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, सही है। जैसे आपने ये एक परमाणु लिया, ये कोई भी एक परमाणु है, ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से परिधि, ये केंद्र है और ये परिधि, ये परिधि, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी उस परमाणु की त्रिज्या कहलाती है, उस परमाणु की त्रिज्या। तो बिल्कुल सीधी सीधी डेफिनेशन है, किसी भी परमाणु के केंद्र, केंद्र को क्या कहते हैं, परमाणु के नाभिक, यानी कि उसके नाभिक से परिधि तक की दूरी को ही, यानी कि उसके बाहरी सतह की दूरी तक को ही क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या, सही है भाई। जबकि सहसंयोजक त्रिज्या अणु में होती है, किसमें निकालते हैं हम, अणु में। जैसे क्लोरीन का अणु लिया हमने, किसका, क्लोरीन का। जब आप क्लोरीन का अणु लेंगे तो इसमें कितने परमाणु हैं, दो। आप देखो ध्यान से, सीएल के कितने परमाणु हैं, दो। तो परमाणु हमेशा कैसा होता है, गोल, और ये परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। ये परमाणु देखो, ये क्लोरीन का फर्स्ट है, ये क्लोरीन का सेकंड, दो परमाणु हो गए। इन दोनों का केंद्र ये है, जबकि परिधि आपस में चिपटी हुई है, परिधि आपस में चिपक रही है। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी का आधा, ये R1, ये R2 आपने मान ली, सॉरी इसे R1 लिख दो, इसे R2। तो दोनों के परमाणु त्रिज्या के योग, या फिर आप ये कह दो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी का आधा, R1 plus R2 by 2, क्या कहलाती है, उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है, सही है। जैसे आप लिखना चाहें तो लिख लें, क्लोरीन की 0.99 एंगस्ट्रॉम होती है, कितनी होती है, 0.99 एंगस्ट्रॉम, और इसकी भी कितनी होती है, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों की जोड़कर आधा करोगे तो एक सीएल की कितनी निकल कर आएगी, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये दो ही बातें याद रखें। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, सही है। तो हमें यह देखना है कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटती है या बढ़ती है, या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है या बढ़ती है। कोई एक चीज हम देखेंगे और दूसरी आपको उसका उल्टा कर देना, दोनों एक ही बात है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भाई, क्योंकि इसमें भी केंद्र से परिधि आ रही है, इसमें भी केंद्र से परिधि आ रही है, क्लियर है। देखते हैं, देखो आगे, देखो होता क्या है, आप बहुत ध्यान से समझना, हम क्या देख रहे हैं, परमाणु त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या का आवर्त और वर्ग में क्या परिवर्तन होता है, आवर्त और वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये एक वर्ग लिया, कौन सा वर्ग है भाई आप बताओ, ये है फर्स्ट ए या प्रथम वर्ग, कौन सा है भाई, प्रथम वर्ग, जिन्हें आप किस नाम से जानते हैं, क्षार धातु, क्या कहते हैं, क्षार धातु। और आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक 3, 11, 19,
सैतीस पचपन यही होता है, सैतीस पचपन सतासी, तो यही आप पढ़ चुके हैं। लेकिन इतना आपको नहीं देखना, मैं सीधे तौर पर बताता हूं। जैसे इसका परमाणु क्रमांक होता है एक, टू वन, टू एट वन, टू एट एट वन। अगर इनके परमाणु लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये परमाणु का नाभिक, ये पहला कोश, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इतना छोटा परमाणु होगा भाई। ये इसका नाभिक, ये पहला कोश और ये दूसरा कोश, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और इसमें एक, तो परमाणु बड़ा हुआ या नहीं ये बताओ। बड़ा हो गया। इसमें बनाओ सोडियम का, देखो सोडियम का ये नाभिक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें आठ इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, और बढ़ गया परमाणु। इसमें देखो ये नाभिक है, ये पहला कोश, दो इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आठ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद फिर आठ इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या आपको देखने से नहीं दिखाई दे रहा भाई कि जब ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहे हैं तो लगातार परमाणु का आकार बढ़ रहा है। अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या उसकी त्रिज्या नहीं बढ़ेगी? देखो त्रिज्या बढ़ रही है भाई लगातार। अरे ऊपर से नीचे की ओर आने पर त्रिज्या बढ़ रही है, क्यों? तो आप लिखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो आप याद रखेंगे क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है। क्लियर है भाई? आप देख रहे हैं खुद, और नई लाइन से लिख देना। अब आवर्त में क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी, तो आप खुद ही जानते हैं उल्टा होगा भाई। तो इसके बाद नई लाइन से लिख देना, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर उनकी परमाणु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या घटती है। वर्ग में जाने पर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटती है। ये क्लियर है भाई? इसके बाद देखो अगला हेडिंग लिखो, आयनिक त्रिज्याएं, आयनिक रेडियस। क्लियर हो रहा होगा इतना? आयनिक त्रिज्याएं देखेंगे। देखो आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं भाई, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आयनिक, आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं देखेंगे। देखो आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं भाई, तो किसी भी आयन की त्रिज्या को, किसी भी आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं, किसी भी आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। बस यही लाइन याद रखें। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनते हैं? देखो दो प्रकार के आयन होते हैं हमारे पास, धनावेशित जिन पर प्लस का आवेश होता है, दूसरे होते हैं ऋणावेशित। दूसरे कौन से होते हैं भाई? ऋणावेशित जिन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस का। ये बात क्लियर है? किसी भी आयन की त्रिज्या को उसकी आयनिक त्रिज्या कहते हैं। और आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धनावेशित आयन और दूसरा ऋणावेशित आयन। तो आप याद रखेंगे जो लाइन बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से याद रखना। किसी भी परमाणु का धनायन, परमाणु का जैसे सोडियम है और सोडियम का आयन, सही है, कौन सा धनायन, तो ये बात आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, किसी परमाणु के धनायन की रेडियस की त्रिज्या सदैव उससे छोटी होती है। कहने का मतलब है कि सोडियम परमाणु की त्रिज्या बड़ी होगी जबकि सोडियम के आयन की त्रिज्या छोटी होगी। जैसे और कोई सा ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का आयन क्या बनता है, प्लस टू। क्या बनता है? प्लस टू। तो मैग्नीशियम के परमाणु की त्रिज्या बड़ी होगी जबकि मैग्नीशियम के आयन की त्रिज्या छोटी। तो ये लाइन समझ में आ रही है? किसी भी परमाणु के धनायन की त्रिज्या, पॉजिटिव आयन की रेडियस सदैव कैसी होती है, छोटी। जैसे एल्यूमिनियम को आप देखें, एल्यूमिनियम पर होते हैं तीन आवेश, तो इसकी रेडियस सदैव क्या होगी, छोटी। इतना क्लियर है भाई? और एक बात नोट करके लिखें पर कि परमाणु आवेश, परमाणु क्रमांक समान रहने पर, या ऐसे लिख दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान
लेकिन आवेश बढ़ने पर त्रिज्या घटती है, त्रिज्या घटती है किनमें, धनायनों में, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सभी में और आवेश लगातार बढ़ता जा रहा हो तो त्रिज्या क्या होगी उसकी, लगातार घटती जाएगी। त्रिज्या क्या होगी, लगातार घटती जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, मैग्नीशियम का 12 यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 12, एल्युमिनियम का 13 यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 13, इसके बाद सिलिकन, सिलिकन का 14 और सिलिकन का आयन बनेगा प्लस के 4, सही है। तो छोटी होगी भी त्रिज्या, अभी यही तो पढ़ा हमने, तो ये वाली बात आपको याद रहेगी भाई, इसका 14 होता है। अब धनायन कब बनते हैं, जब उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एक प्लस का आवेश है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 10। अब Na प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, Mg में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, अरे 12 थे, 2 निकल गए कितने बचे 10, इसमें 13 है 3 निकल गए कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन, अरे कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 14 है 4 निकल गए कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो आप नहीं देख रहे सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है समान, यही बात तो मैंने लिखी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो आवेश बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या क्या होती है घटती है। तो सबसे कम आवेश सबसे बड़ी त्रिज्या, जैसे जैसे आवेश बढ़ रहा है वैसे वैसे त्रिज्या में क्या आ रही है कमी। तो मैं घटता हुआ क्रम लिख देता हूं कि सोडियम की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, उससे कम किसकी होगी मैग्नीशियम की, उससे कम किसकी होगी एल्यूमिनियम की, और उससे कम किसकी होगी सिलिकन की। तो ये क्रम है घटता हुआ परमाणुओं की त्रिज्या का। तो मैं समझता हूं धनावेश आपको समझ में आए होंगे, बस एक लाइन याद कर सकते हैं, किसी भी धनायन की त्रिज्या उसके परमाणु से छोटी होती है। अब इसका उल्टा कर दो ऋणायन में, किसी भी ऋणायन की त्रिज्या हमेशा उसके परमाणु से बड़ी होती है, किसी भी ऋणायन की त्रिज्या हमेशा उसके परमाणु से बड़ी होती है, क्लियर है। तो मैं समझाता हूं, देखो आपको सारी चीजें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें आप, जैसे कोई ऋणायन ले रहे हैं आप, सही है भाई, जैसे हमने लिया क्लोरीन, लिया हमने क्या लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन को जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और क्लोरीन का आयन क्या होता है, क्लोरीन का आयन क्या होता है सीएल माइनस, तो इसकी इसका आकार सदैव बड़ा होगा भाई, सही है। जैसे इससे पहले देख सकते हैं सल्फर, सल्फर का 16 होता है, सल्फर का आयन होता है S-2, तो ये इससे बड़ा होता है। आप फास्फोरस को देख सकते हैं, फास्फोरस का होता है 15, इसका आयन होता है P-3। अगला देखेंगे इससे पीछे होता है सिलिकन, तो सिलिकन दोनों प्रकार के आयन बनाता है प्लस भी और माइनस भी, तो इसका जो आयन होगा वो माइनस के 4 होगा। तो आपको ये वाली बात समझ में आई, किसी भी ऋणायन की जो आयनिक त्रिज्या होती है वो उसके परमाणु से सदैव बड़ी होती है, वो उसके परमाणु से सदैव बड़ी होती है, ये वाली बात क्लियर है। और अगली वही लाइन लिखो जो पीछे लिखी थी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान हो, ऋणायनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो समान, तो आवेश बढ़ने के साथ साथ, आवेश बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या उनकी आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है, उनकी आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि ऋणावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो उनके ऋणायनों की त्रिज्या आवेश बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है, आवेश बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। जैसे 17 परमाणु क्रमांक है और माइनस का मतलब क्या होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 17 थे पहले एक और ले लिया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, 16 थे दो और ले लिए तो कितने हो गए भाई 18 इलेक्ट्रॉन, 15 थे तीन और ले लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन, और 14 थे चार और ले लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो जिस पर सबसे ज्यादा माइनस का आवेश होगा उसका परमाणु, उसका आयन सबसे बड़ा होगा, तो Si4 माइनस के 4 सबसे बड़ा आयन होगा, इससे छोटा P-3, इससे छोटा
एस माइनस के टू और इसके बाद सी एल माइनस के वन, तो ये क्रम होगा इसमें। तो आप धनायन और ऋणायन की त्रिज्याएं समझ पाए भाई, तो ये क्लियर होगा। इसके बाद अगला हेडिंग लिखें धन विद्युति लक्षण और ऋण विद्युति लक्षण, क्लियर है भाई, धन विद्युति लक्षण और ऋण विद्युति लक्षण। देखेंगे देखो धन विद्युति लक्षण और ऋण विद्युति लक्षण ये हमें पढ़ने हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। धन विद्युति लक्षण और ऋण विद्युति लक्षण क्या होते हैं तो उन्हीं को हम देख रहे हैं, ध्यान से समझे बिल्कुल। देखो धन विद्युति लक्षण क्या होता है, अगर आप शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसमें कोई भी चीज आपके समझने की नहीं है, सब कुछ पता है आपको। धन विद्युति लक्षण का मतलब होता है किसी भी परमाणु के धनावेशित आयन बनाने की क्षमता, किसी भी परमाणु के धनावेशित आयन बनाने की क्षमता। इसे बिल्कुल सीधे तौर पर मैं कहूं तो ये कह सकते हैं जो परमाणु जितने जल्दी धनायन बना लेगा, जो परमाणु जितनी जल्दी धनायन बना लेगा वो उतना ही प्रबल धन विद्युति होगा, वो उतना ही, मतलब कोई परमाणु अगर शीघ्र इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना रहा है धनायन, तो वो उतना ही प्रबल धन विद्युति होगा, क्लियर है भाई। और ऋणायन ऋण विद्युति लक्षण क्या होता है, ऋणायन बनाने की क्षमता, यानी कि बिल्कुल सीधे तौर पर लिख सकते हैं जो परमाणु जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा वो उतना ही प्रबल ऋण विद्युति होगा। तो आप समझ गए धन विद्युति क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता, और जो जितनी जल्दी त्याग कर देता है वो उतना ही प्रबल धन विद्युति होता है। और ऋण विद्युति आप समझ गए होंगे कि ऋणायन बनाने की क्षमता को ऋण विद्युति कहते हैं भाई, सही है। और जो परमाणु जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा वो उतना ही प्रबल ऋण विद्युति होगा। अब आपसे पूछा जाता है आवर्त सारणी में क्या परिवर्तन होता है इसमें, सही है। तो देखो आप जानते हैं सबसे पहले किसे रखा गया है भाई, क्षार धातु को, किसे रखा गया है, क्षार धातु को। और आप जानते हैं क्षार धातु प्लस के प्लस बनाते हैं और सबसे लास्ट में अक्रिय कैसे हैं, अरे आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं ये बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले वर्ग में क्षार धातु और लास्ट में अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस को यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, इससे पहले हैलोजन है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हैं भाई क्षार धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखो इन पर प्लस का आवेश होता है और इन पर माइनस का। अब आप ये बता सकते हैं भाई कि इनमें कौन सा गुण होगा, ऋण विद्युति क्योंकि ऋणायन बना रहे हैं, और इनमें कौन सा गुण होगा, धन विद्युति क्योंकि कौन से बना रहे हैं, धनायन। तो ये पहला वर्ग हो गया बीच में 2 से लेकर 16 तक, और ये 17वां वर्ग होता है, ये पहला वर्ग, ये 17वां वर्ग, और अक्रिय गैसों का कौन सा होता है, 18। तो ये क्रम आवर्त सारणी का है भाई, सबसे पहला वर्ग दूसरे से लेकर 16 तक होंगे, फिर 17वां, फिर 18वां। तो आप जरा ध्यान से देखें जो क्षार धातु हैं यानी कि पहले वर्ग के तत्व हैं वो धनायन बना रहे हैं यानी कि प्रबल धन विद्युति लक्षण रखते हैं, और जैसे जैसे आगे की ओर जा रहे हैं क्या धन विद्युति लक्षण बढ़ रहा है, नहीं, ऋण विद्युति लक्षण बढ़ रहा है, क्योंकि हैलोजन कैसे हो गए, ऋणायन हो गए। अरे आप समझ पा रहे हैं, ये प्रबल धन विद्युति है जबकि ये प्रबल ऋण विद्युति है। तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं धन विद्युति लक्षण घटता है। आप लिख दें डायरेक्ट कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युति लक्षण क्या होता है, घटता है। और जब बाएं से दाएं जाने पर घटेगा तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, बढ़ता है। धन विद्युति लक्षण किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो आप क्या देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी हैलोजन प्रबल धन विद्युति होगी, अरे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धन विद्युति लक्षण बढ़ रहा है,
सब लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है तो सबसे कम धन विद्युतीय लक्षण लिथियम में, उससे ज्यादा सोडियम, उससे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी कि सर्वाधिक सर्वाधिक धन विद्युतीय कौन है? फ्रांसियम। कौन है? फ्रांसियम। और उससे कम सीजियम, उससे कम, और क्षार धातुओं में सबसे कम कौन है? लिथियम। वैसे पूरी की पूरी क्षार धातु पूरी आवर्त सारणी में सबसे प्रबल धन विद्युतीय है। क्लियर है? तो धन विद्युतीय लक्षण समझ में आ गया। अब ऋण विद्युतीय, तो ऋण विद्युतीय लक्षण में लिखे हैं आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या ये ऋणायन बना सकते हैं? आप पहले तो ये बताओ, क्या कभी सोडियम ऋणायन बना सकता है? नहीं, यानी कि ऋण विद्युतीय लक्षण उसमें जीरो होता है। तो जब इसमें जीरो होगा और इसमें ज्यादा, यानी कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर ऋण विद्युतीय लक्षण में क्या हो रही है? वृद्धि। तो आप लिख सकते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर ऋण विद्युतीय लक्षण में वृद्धि, ऋण विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होती है। बाएं से दाएं की ओर जाने पर आवर्त सारणी में ऋण विद्युतीय लक्षण में क्या होती है? वृद्धि। और जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसमें क्या होगी? कमी। क्लियर है भाई? तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? अगर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कमी हो रही है, यानी कि प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन होगा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, उससे कम आयोडीन। और एस्टेटिन में तो होता ही नहीं है क्योंकि ये धातु है, क्योंकि धात्विक लक्षण है इसमें। सही है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आवर्त सारणी में सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो नोट करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, पूरी आवर्त सारणी में आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा ये, पूरी आवर्त सारणी में प्रबल ऋण विद्युतीय लक्षण या प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन में सबसे प्रबल ऋणायन बनाने की क्षमता होती है। जैसे ही इसे रखोगे कहीं पर, ये दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन एकदम ले लेगा और क्या बना लेगा? एकदम F माइनस। क्लियर है भाई? और इस वाले वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ रहे हैं। और जो भी प्रमुख लक्षण है, घनत्व हुआ, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ताप को सहनशीलता किसमें होती है और तन्यता सबसे ज्यादा किसमें होती है, सबसे प्रबल धातु कौन सी है, तो इस तरह के कुछ तत्व पूछे जाते हैं हमसे क्वेश्चन के रूप में, तो उन्हें हम करेंगे भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आसानी से इस तरह की चीजें कोई पढ़ाता नहीं है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ताकि हर एक स्टूडेंट तक इन चीजों का लाभ पहुंच सके। थैंक यू।